बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। जब तक माँ ज़िंदा हो दुआओं का सिलसिला नहीं रुकता। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। गर्मियों का सीज़न है, आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा था, सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती जाऊँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मक्खन लिया है, इसको गर्म कर रही हूँ, देखें आप। और उसमें तकरीबन ये 20 से 25 बादाम हैं, आप यहाँ पर 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको इसी मक्खन के अंदर आपने हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे आपने इसे निकाल कर साइड पे कर देना है ठंडा होने के लिए। यहाँ पर 2 अदद मैंने डब्बे लिए हैं मलाई के, इनको बीटर की मदद से मैं अच्छी तरह से मैट करूँगी, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी क्रीम सही मिक्स हो जाएगी उतनी ही अच्छी आपकी आइसक्रीम बनेगी। और यहाँ पर जो मैं आइसक्रीम बना रही हूँ बग़ैर कंडेंस मिल्क के बनाना बताऊंगी आपको, बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट तैयार होने वाली आइसक्रीम है ये। मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूला करें आप। यहाँ पर देखें क्रीम माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त मेरी रेडी हो रही है। यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था कि मैं कंडेंस्ड मिल्क नहीं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन जो चीनी है उसका मैंने पाउडर बना लिया है। तकरीबन ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मीठा शामिल करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने 3 चम्मच शामिल की हैं, लेकिन मैं सारा जो मीठा है चीनी है वो इसमें शामिल कर दूँगी। चीनी कम से कम मैंने यहाँ पर 1 कप इस्तेमाल की है, 1 कप चीनी का मैंने पाउडर बना लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि चीनी और मलाई मेरी यकजान हो जाए। देखिए से ही आपको मलाई नज़र आ रही होगी कितनी ज़बरदस्त मेरी मैट हो गई है। यहाँ पर ये देखें जो मैंने बादाम ठंडे करके उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था और पाउडर की सूरत में ले आई हूँ मैं उन्हें, वो शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी गार्निश के लिए, बाकी सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको भी मैं बीटर की मदद से अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट तैयार होने वाली आइसक्रीम है, और बच्चों की तो गर्मियों के सीज़न में आइसक्रीम में जान होती है। घर पे ना बना कर दें तो थोड़ी देर बाद कहेंगे मामा हम बाहर से लेकर आए। इसके लिए बेहतर है कि अपने बच्चों को घर पर खुद आप आइसक्रीम बना के दें। यहाँ पर एक बर्तन आप कह सकते हैं या बाउल कह सकते हैं आप, उसमें मैं इस मिक्सचर को मैं डाल दूँगी। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की कोई भी चीज़ हो जाए और आसानी से घर पर खुद तैयार हो जाए, वो मैं बाहर से ना मंगवा कर दूँ अपने बच्चों को। अच्छी तरह से सब तरफ आप इसे फैला लीजिए। गार्निश के लिए जो मैंने बादाम रखे हुए थे वहाँ या थोड़े से शामिल कर दूँगी। देखने में लुक भी बहुत प्यारी नज़र आती है और खाने में तो क्या बात है इस आइसक्रीम की। अब इसे यहाँ पर तकरीबन मैं 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 6 से 8 घंटे गुजर चुके हैं, मेरी आइसक्रीम अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई है मेरी आइसक्रीम। रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। निकालने के लिए जो आइसक्रीम मैं इस्तेमाल करूँगी उसे ठंडे पानी से एक बार निकाल लीजिए आप, आइसक्रीम निकालने में आसानी हो जाती है। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त आइसक्रीम रेडी है मेरी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो।